गाइस, ये है मेरा टेंट MH 100। इसे मैंने बंगाल से ख़रीदा था टिकट लोन पे। जगह का नाम शायद सॉल्ट लेक सेक्टर 5। वो एक टिकट लोन शॉप है, वहाँ से मैंने इस टेंट को ख़रीदा था। और ये जस्ट रैंडम कोई भी ट्रिपल होता है ना, ब्लैक ट्रिपल जो थोड़ा मोटा होता है, ज़्यादा नहीं और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं। तो मैं पहले इसको बिछाऊँगा, इसके ऊपर इस टेंट को बिछाऊँगा। देखते रहिए टेंट को कैसे मतलब सेटअप करते हैं, हाउ टू सेटअप टेंट। So now I'm going to set up this tent right here. तो इसको पहले ऐसे बीचों बीच रख के मेरा जो स्टाइल अपना स्टाइल है ऐसा कर देना। So guys, इसको बोलते हैं टेंट पोल्स। ये एकदम इसको खींचेंगे तो इसके अंदर इलास्टिक वाला ये जो धागा टाइप का होगा वो अगर इसके अंदर हम ऐसे लगा दें तो ये बन जाता है एक बड़ा, जो ऐसे मोड़ने पे लाइक दिस, इसको टेंट के ऊपर वाला ये जो ढांचा है, ये ढांचा टेंट के ऊपर वाला, तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो ये हमने एक बना लूँगा पहले और इसके बाद ये वाला, इसको भी सेम ही तरीके से करना होगा। ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये लगता है मुश्किल देखने के लिए लेकिन है नहीं, आपको जस्ट ऐसे करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आँख बंद करके भी इसको कर सकते हैं आप, अगर आप प्रोफेशनल हो गए हैं टेंट कैंपिंग में तो ये हो गया एकदम सिंपल, एज सिंपल एज दैट हो गया है दो। तो अभी क्या करना है, अभी और टेंट का ये वाला पार्ट, ये है रेन फ्लाई, इसको बोलते हैं रेन फ्लाई। पूरा टेंट सेटअप हो जाएगा, उसके ऊपर ये पार्ट आएगा ताकि इसके अंदर टेंट के अंदर बारिश ना जाए। तो ये बारिश से बचने के लिए है और धूप से बचने के लिए भी है। तो ये अगर आप इसको सेटअप करें तो इसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है टेंट के अंदर, ऐसे तो टेंट के अंदर गर्मी तो रहता ही है और ऊपर से अगर आप इस रेन फ्लाई को लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैं इसको हर जगह यूज़ नहीं करता, अगर ऊपर छत हो तो इसको यूज़ मैं करता नहीं, इसको यूज़ करना मैं प्रिफर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे खुले मैदान पर आप रात को सोते हो तो भाई ये कंपलसरी है, ये आपको बारिश से बचाएगा, बारिश का पता नहीं कब आ जाए। तो ये बेटर होगा कि आप इसको सेटअप करके ही पूरा टेंट लगाए। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि टोटल टेंट कैसे सेटअप करते हैं और कैसा लगता है सेटअप करने के बाद। ये हो गया मेरा टेंट, ये हो चुका है अपना टेंट का स्टेप 1 कंप्लीट। पहले इसको नीचे ऐसे बिछा लो, उसके बाद ये जो आपको इसके ऊपर ऐसे रखना होगा क्रॉस, एकदम क्रॉस निशान के टाइप का आपको रखना होगा इसको ऐसे ऐसे। ये ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये आपको लग सकता है दिक्कत है लेकिन दिक्कत है नहीं, ऐसे जस्ट इसके ऊपर रखना है, जस्ट ऐसे एक ऐसे इसके ऊपर रख देना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रख देना है, एकदम क्रॉस क्रॉस बना के टेंट के ऊपर रख देना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टेंट पोल्स हैं कहाँ पर लगाते हैं। ये जो अब देख रहे हो ए ऐसा है यहाँ पे, तो इसके अंदर हम इस टेंट के जो पोल हैं वो ऐसे इसके अंदर घुसा सकते हैं। तो ऐसे जैसे इसके अंदर ये लग गया तो ऐसे ही 1, 2, 3 और ये 4 लगाने हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऊपर से कैसे सेटअप करते हैं। तो गाइस, चारों तरफ हमारा जो पोल है, जो टेंट पोल्स है वो लग चुका है। तो ये है मेन ढांचा इस टेंट का, जैसे आप देख रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे छोड़ भी दूंगा और गिर भी गया तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये टेंट उतना झेलने के लिए मतलब उतना झेलने के लिए ये टेंट बना है, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर ये ज़्यादा भी बेंड हो गया तो टूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेंड करके तोड़ ही दो। तो ये जो ये है टोटल ढांचा यही है। अब ऐसे करना है, ये जो मेन ढांचा ऐसे बना लेना है, फिर ऊपर से एकदम मिडिल जो पॉइंट होगा उस पर ऐसे पकड़ के, अब इसका बारी है जो टेंट का ऊपर का हिस्सा, ये जो हुक होता है, ये हुक यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 10-12 या 6-7 दिया हुआ है, 9 टोटल ऐसे हुक है। ये हुक ऐसे यहाँ जाएगा, ये जो टेंट पोल है उसके ऊपर ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसा एक मच्छरदानी सा बन गया है। तो और भी जो सारे हैं यहाँ पे जो हुक, उसको लगाने के बाद ये टेंट टोटल कंप्लीट हो जाएगा लगाना स्टेप 1। उसके बाद इसके ऊपर रेन फ्लाई आएगा, तो पहले लगा लेते हैं सब इसको।
तो ये जो हुक आपको बहुत ही प्यार से लगाना है, नहीं तो ये बाउंस होके कहीं बिखर भी सकता है। अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन जो जो वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखा है तो वो यही बताते हैं। तो गाइस, अभी ये जो अपना टेंट है टोटल लग चुका है। ये जो अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है बिना रेन फ्लाई के। तो गाइस, ये हो चुका है मेरा पूरा टेंट सेटअप। अभी ये है टेंट का पिछला हिस्सा। ये जो आप देख रहे हैं ये भी है मच्छरदानी टाइप का। ये नेट्स हैं, एकदम सॉफ्ट और मजबूत, तो इसके अंदर कोई मच्छर घुस नहीं पाएगा। तो हवा भी चला रहा था इसके अंदर, वेंटिलेशन हो जाता है। तो ये सामने की तरफ भी एक दिया हुआ है और पीछे की तरफ भी। और ये जो हुक्स की बात मैं कर रहा था, आप करीब से देख लीजिए कि ये हुक्स कैसे दिखते हैं। ये है इस आकार के। तो गाइज, ये है टेंट का सामने का हिस्सा। तो ये है गेट, यहाँ से आप अंदर घुस सकते हैं। अभी चाचा जी इसके अंदर जाएंगे। ये चाचा जी टेंट ऐसे खोलते हैं, आप देख लीजिए। ये जो चेन होता है इसको ऐसे धीरे से खींचना पड़ता है, उसके बाद इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये जो है मेरा टेंट, अंदर से कैसा लगता है? अभी चाचा जी अंदर घुस गए। चाचा जी कैसा लगता है? बढ़िया है ना? तो गाइज, अभी लगाते हैं इस रेन फ्लाई को इस टेंट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेंट पूरा लग चुका है। अभी आप इसके अंदर रह सकते हैं। ये अभी दिक्कत तब होगा जब बारिश आएगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ से जो मच्छरदानी टाइप का है ना, वहाँ से पानी अंदर जाएगा, और कहीं से पानी अंदर नहीं जाएगा, नीचे से भी साइड से भी सब एकदम प्रोटेक्शन है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि रेन फ्लाई को इसके ऊपर कैसे लगाते हैं, और लगाने के बाद ये कैसा दिखता है और कैसा इसका अंदर का हाल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको खोलना है, ये देखिए कितना बड़ा है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका गेट। टेंट का जो मेन गेट है वो ये है, और ये जो गेट है ये है, और ये जो पिछले वाला एक यहाँ पे एक गैप सा है, ये वेंटिलेशन के लिए हवा अंदर जाएगा यहाँ से वहाँ तक। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो पहले तो इसको सेटअप कर लूँ मैं। ऐसे करना है एकदम, वो जो मछली पकड़ते हैं ना समुंदर में ऐसे नेट फेंक के, उस जैसा ही करना है ऐसे बस। अभी इसको चारों तरफ से खींच के एकदम परफेक्ट कर देना है। अब जो मेन काम बचता है वो है स्ट्रैप्स, जो स्ट्रैप्स है वो लगाना। ये यहाँ पे एक उस तरफ एक, इस तरफ एक। तो गाइज, ये जो टेंट है पूरा एकदम सेटअप हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या सिचुएशन है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल से, अगर आप इस रेन फ्लाई को मतलब ना डालते तो थोड़ा हवा अंदर जाता ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसको डालने के बाद इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको सेफ्टी मिल जाता है हर तरीके से। आपको डर भी नहीं लगता, बाहर का भी कुछ नहीं दिखता और सेफ भी रहता है। पीछे का हिस्सा, ये जगह ऐसा है, यहाँ से ऐसा गैप है क्योंकि ऐसे ताकि अंदर को हवा जा सके। तो मैं आपको दिखा, तो आपको दिख रहा होगा एक रॉड, एक काला मतलब रॉड है एक कपड़े के अंदर। तो अब यहाँ से टेंट का वो जो ढांचा है वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर हवा जाता है, ये वेंटिलेशन वाला जगह, यहाँ से ऑक्सीजन हवा अंदर घुसता है। तो गाइस, ये जो टेंट है अभी टोटल लग चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर चेन है इसके अंदर, ऐसे खींचते हैं इसको और ये खुल जाएगा। तो ये वाला पार्ट संभाल के करना पड़ता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा अब जाम मिलेगा आपको, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन संभल के करना है। तो ये खुल गया अपना टेंट डबल डोर। ये है रेन प्रोटेक्शन वाला, ये है रेन प्रोटेक्शन वाला, और ये है नॉर्मल वाला। ये है टेंट के अंदर, चलते हैं। ये है, तो ये जो जगह आप देख रहे हैं टेंट के सामने, ये टोटल 6 फीट से ज़्यादा है, थोड़ा इतना ज़्यादा होगा, मतलब एक थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। तो और इसके अंदर हम बैठ सकते हैं, थोड़ा उठ सकते हैं। और ये जो हैंकर टाइप का देख, ये लाइट मतलब लगाने के लिए है। और सामने एक ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक जेब सा दिया हुआ है ताकि आप फ़ोन रख सके। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन आ रहा है ना, इस पर आप कपड़े सुखा सकते हैं। जैसा आप देख सक रहे हैं कि एक इंसान इसके अंदर आराम से रह सकता है। तो कितना जगह बच रहा है देखिए सर, यहाँ पे एक हाथ जगह है, वहाँ सर पे भी सामने कुछ जगह है। और ये टू मैंस टेंट है, ये दो आदमी आराम से रह सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करके इसके अंदर 3 आदमी आराम से हो जाएगा। बेस्ट टेंट।
और गाइस इस टेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ख़रीदना होगा तो आप चेक कर लेना इस टेंट को। ये अभी फ़िलहाल में मार्केट में सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया टेंट यही है, MH 100। ये डबल पर्सन भी आता है, ट्रिपल पर्सन भी आता है, फोर पर्सन भी आता है, और दाम के हिसाब से क्वालिटी है, ये बहुत ही बढ़िया है। और बाय द वे ये मेड इन बांग्लादेश है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।